हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे ना, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, ये चारों तरफ अंधेरा। तभी सभी मैं किचन के बाहर हूँ, ये देखो आंगन की रोशनी आ रही है। और हाँ, हमारे यहाँ लाइट गई हुई है सुबह के 9 बजे से, और इस समय बज रहा है 1:15 बज रहा, मतलब ब्लॉग में इस समय से चालू करें। और अभी अभी तो खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चे मानते नहीं, इन्वर्टर सीटी मारता रहेगा, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगता है जब तक 5 पंखे कम से कम कितने 4 घंटे चल गए। ठीक है, 5 पंखे 4 घंटे बराबर चल रहे हैं कंटिन्यू, तो इन्वर्टर कितना चलेगा भाई। और ये देखो, हम लोगों ने पता है, अब भूख तो लग रही है यार, 1:15 बज रहा है, अंधेरा हो रखा है। तो हम लोग तीनों, उन दोनों की यप्पी है और मेरी मैगी, तो हम लोग अभी किसी का नाश्ता करेंगे, वो इसलिए कभी लाइट नहीं आ रही, खाना कैसे बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो यार, आप लोगों से तो बातें करना बनते ही है। ये देखो, ये तो बाहर की रोशनी से बेड दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं पर्दा ऐसे डाल लूँगी, बैठती हूँ। तो यहाँ पर लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से पता है हमने ये सोचा है, थोड़ा इधर बैठती हूँ तो रोशनी साफ दिखेगा। तो हमने ये सोचा है कि खाने में क्या बनाएं, क्योंकि कुहू के पापा तो सुबह ही निकल गए थे, 7:45 बज रहा था तभी निकल गए थे। और हम बनाने वाले हैं मेथी की खिचड़ी, तो हम सबकी बड़ी फेवरेट है, तो हम तीनों को, मतलब हम चारों को बहुत पसंद है। तो इस समय कुहू के पापा ने, तो हम तीनों की प्लानिंग बनी कि हम लोग खाएंगे खिचड़ी, और भी मेथी की खिचड़ी। तो जब कुहू के पापा पता है कहीं गए हुए होते ना, तो हम लोगों अपने पसंद की फिर प्लानिंग करते हैं, हम क्या खाएंगे, फिर तीनों की प्लानिंग बनेगी तब जा करके हम लोग। तो आज की प्लानिंग ये है कि हम लोग दही मंगाएंगे और खाएंगे मेथी की खिचड़ी। तब तो खैर गर्मियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन मस्त लगती है, तो वो पूरी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, अभी तो मैं देख रही हूँ लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, कितने टाइम तक आएगी मुझे खुद नहीं पता है, इसलिए तो मेरा ब्लॉग है बहुत देर से चालू हुआ, 1:15 बज रहा है, और मेरी वीडियो तो आ गई, तो जाकर के आप लोग देखो। तब तक मैं अपने थोड़े से अंधेरे में काम निपटाती हूँ, कुछ नहीं, अंधेरे में मैगी बनाऊँगी अपनी भी, इसी मोबाइल की लाइट से और बच्चों की। अब लाइट ना होने के एक इम्पॉर्टेंट और बेनिफिट वाली बात बताऊँ, मुझे बीजी लगाने की ज़रूरत नहीं, मीन्स ये बैकग्राउंड हटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये हुआ ना फ़ायदा, बिल्कुल मेरी इस बात को नोट करिएगा, मुझे बैकग्राउंड हटाने की ज़रूरत ही नहीं, और वो ऑलरेडी हटा हुआ है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है ना कमाल की बात। गई थी वैसे ही, बस 2 मिनट बाद आ गई लाइट, और ये मेरी चढ़ गई मैगी, क्योंकि भूख लग रही है, 1:30 बज रहा है, और सारे नहा लिए थे, कपड़े पड़े धुल गए थे, तो ये धुलना मेरी कपड़े सुखा रही है, और कुहू भी नहा के आ चुकी है। तो पहले कुहू कह रही आपकी हम लोग की मैगी मैं खुद बना लूँगी, आप अपनी बना लो, तो मैं अपनी मैगी बनाऊँगी, यप्पी दोनों की कुहू बनाएगी। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को, तो जो कल की वीडियो आई हुई थी जो हमने साड़ियों का कलेक्शन किया, तो हाँ, इस बारी मेरे यहाँ 3-4 शादियाँ हैं, एक तो भतीजी की है, भतीजा है, मतलब भतीजी मेरे मायके की तरफ से, और भतीजा मतलब बड़े जो भी अम्मा ख़त्म हुई ना, उनके पोते की शादी है, और दिसंबर में, 15 दिसंबर में, एक जगह पर और है। तो शादियां तो हमारे यहाँ हैं, और इसके बाद नहीं, फ़िलहाल तो साड़ियाँ लेंगे, लेकिन किसी एक इवेंट में हम एक दो साड़ियां हैं जो रेड वाली है, पर्पल वाली है, वो, और वो दो साड़ियाँ तो मैं पहन सकती हूँ, किसी छोटे मोटे कुछ होता नहीं, तमाम रीति रिवाज रस्म और रिवाज होते, उसमें तो पहन सकते हैं। तो हमने सोचा छोटी छोटी तैयारियाँ कर लो, पता है सच में शादियों की तैयारियाँ तो कोई एक दिन से होती नहीं, होती रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो फैमिली में शादी तो कुछ ना कुछ कर ही लेते, चल यार अब मुझे भूख लगी, मैं मैगी खाऊँगी। मैंने अपनी बनने के लिए रख दिया है पैन में, और ये देखो ये मेथी भीग रही है, और आज हम बनाने वाले मेथी की खिचड़ी, हमारी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट मेथी की खिचड़ी, बहुत अच्छी बनती है, तो हम लोग बनाएंगे मेथी की खिचड़ी। चलो पहले तो मैगी खाऊंगी।
टाइगर मैगी। मैगी मैगी मेरी वाली मैगी। चलिए खिचड़ी बनाने, अभी बज रहा है 3 बज रहा है और मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो हमने यहाँ पर मेथी धुल करके, और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब भी आप ये मेथी की खिचड़ी बनाते हैं तो इस मेथी को पहले कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो दीजिए, अदरवाइज आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मेथी अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए, उसके बाद में आप इसको क्या करें, अच्छे से कम 5 से 6 पानी में आप इसको धुल लीजिए, और धुलने के बाद में इसका पानी सारा का सारा ड्रेन हो चुका है। ये देखो सारा का सारा पानी ड्रेन हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, चावल हमने धुल के भिगो दिया है और हमने यहाँ पर 4-5 खड़ी मिर्च को 20 से कट कर लिया है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे वो ऐसे छोटी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमने 20 से हरी मिर्च को 20 से ही कट कर दिया है। हींग ले लिया है, जीरा, और ले लेंगे थोड़ा सा खड़े लाल मिर्च। तो चलो बैक कैमरा करके दिखाते हैं और आपको कैसे बनाते हैं खिचड़ी वो दिखाते हैं। लिया है 5-6 हरी मिर्च, 5-6 लिया लाल मिर्च, ये बिल्कुल भी कड़ू नहीं है, और एक टुकड़ा हमने ले लिया दालचीनी की, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर हमने ले लिया था कम से कम 5 बड़े चम्मच मेथी, जो कि भीग करके कम से कम ये हो गई है 1 कप के लगभग हो गई है, और बहुत हेल्दी होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, सेहत के लिए, बालों के लिए, ब्लड के लिए, सब, और शुगर वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है बेनिफिट्स। तो चलो यहाँ पर हमने ले लिया है 1/2 चम्मच राई, और अपनी हींग ले लिया है। यहाँ पर हम मिला लेंगे, डाल दिया है कढ़ाई नहीं, ये तो कुकर है, कुकर में डाल दिया है तेल। सबसे पहले डालेंगे हम जीरा, जीरे का भाग डाल देंगे, जैसे जीरा हमारा क्रैकल होता है डाल देंगे, और कानपुर की स्पेशल मेथी की खिचड़ी बनाएंगे, जैसे हमारी थोड़ी सीजनिंग क्रैकल होगी हम इसमें डाल देंगे मेथी। तो इसमें हमने मेथी डाल दिया, मेथी डालने के बाद में इसको चला लेंगे, और इसको थोड़ा सा मेथी में, क्योंकि जब जैसे हमने धुल के भिगो के रखी हुई थी ना, तो थोड़ा सा मेथी में पानी था, तो उसको थोड़ा सा पकने देंगे, पानी थोड़ा सा जलाना है, और मीन्स उसको भूनना उनना कुछ नहीं, बस उस तेल में बस पानी की थोड़ी सी जो हल्का 2-4-10 बूंद होगा वो भी बर्न हो जाएगा, बस उतना ही रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर पता है मैंने म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि एसी भी चल रहा था, बगल में वॉशिंग मशीन में कपड़े भी सूख रहे थे, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया था, आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसको डालें ही डालें। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ, थोड़ा सा कलर आ जाता है तहरी को खिचड़ी में, तो अच्छा लगता है। इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक, तो जितनी आप खिचड़ी बना रहे हैं वैसे ही आप ऐड कर लीजिए नमक, और हल्दी जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है, मेथी भी पक चुकी है, हींग पक चुकी है, हमारा तड़का बढ़े से पक चुका है, वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना बढ़िया तड़का तैयार हुआ हमारा पक करके। और अब इसी स्टेज पे हम ऐड करने वाले हैं चावल, मसाले हमारे, मसाले मीन्स हल्दी हमारी पक गई है, अब हम ऐड कर देंगे इसमें चावल। और जब ये मेथी की तहरी खिचड़ी बनाते हैं, तहरी को या खिचड़ी बनाते हैं, तब चावल को हम भिगो करके पहले से नहीं रखते हैं, कोई भी खिचड़ी बनाते हैं, या जैसे आप मूंग दाल खिचड़ी बना रहे हैं तो उसको गला करके पकाना होता है, तो पहले से आप भिगो सकते हैं, लेकिन जैसे तहरी हो गई या फिर ये मेथी की खिचड़ी हो गई, तो चावल को तुरंत ही धुल करके यूज़ करें, पहले से भिगो करके ना रखें। तो यहाँ पर हमने चावल को चला लिया मसालों के साथ, मसाले क्या डालें, हमने सिर्फ हल्दी डाली हुई है तो उसमें थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया, पानी उतना ही डालना है जितना चावल है, चावल से बस 1/2 इंच से भी कम ऊपर रहना चाहिए, बस उतने में ही हमारी जो खिचड़ी है वो पकड़ के रेडी हो जाएगी, और खुशबू तो पूछो नहीं कितनी बढ़िया आ रही थी, बिल्कुल लाजवाब मस्त बनने वाली खिचड़ी हमारी मेथी की खिचड़ी। तो इसमें लगा देंगे ढक्कन लगाने के बाद इसमें 3 सीटियाँ लगा देंगे, और 3 सीटी लगातार लगाएंगे, मतलब हाई फ्लेम पर, और इसके बाद में ये देखो लगातार हमने 3 सीटी निकाल दिया, उसके बाद में 1 मिनट बाद इसकी जो सीटी निकाल दी, और गैस निकालने के बाद में फिर 2 मिनट के लिए ढक कर के ऐसे ही छोड़ दिया, और मेथी हमारी ये देखो मेथी की खिचड़ी
बढ़िया सी खिली खिली सी और हेल्दी। बेनिफिट्स तो इसमें इतने हैं कि क्या ही कहने हैं। और सच में जिसको अगर शुगर है वो भी खाए, दाब के खाए, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें इतनी मेथी है कि कभी नुकसान कर ही नहीं सकती। मेथी हमारे ब्लड के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती और डाइजेशन के लिए अच्छी होती। कितनी कितने कितने ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होते हैं मेथी में। तो चलो हम लोग तो खाने जाते हैं, इंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मेथी की खिचड़ी निकालना स्टार्ट किया है तीनों लोग, क्योंकि हम तीनों ही हैं तो तीनों लोग जा कर के साथ में बैठ कर के खाएँगे। और इस खिचड़ी में ना बस घी बस थोड़ी सी मात्रा में डालें। हुआ क्या था कि दही था ही नहीं दुकान में, तो दही नहीं मंगा पाए थे। कोई बात नहीं, खिचड़ी तो हमारी एवरग्रीन मस्त बहुत बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो आप लोग भी बनाइएगा, मुझे कमेंट करिएगा वीडियो पे कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डाल लिया है। घी डालने के बाद में आगे खाने और अपनी मेथी की खिचड़ी। और पता है हमने कुछ नया ऐड किया, क्या ऐड किया मेथी खिचड़ी के साथ? टोमेटो सॉस। और सच में गजब का टेस्ट आ रहा है। और पता है अभी हम लोग खा रहे हैं कुहू के पापा को, ये कल जब वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा घर में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है कुहू, बताओ हम लोग, बताओ। बहुत कुछ होता है। हम लोग ना जब जब इनके पापा कहीं जाते हैं, मीन्स मतलब वो बिजी होते हैं, तो हम लोग अपने टाइप के खाने बनाते हैं। क्या बनाते बाबू? क्योंकि हम लोग उस दिन बनाए थे खिचड़ी, आज मेथी की खिचड़ी। और मेथी खिचड़ी तो हमारे अक्सर बनती है क्योंकि बहुत बहुत अच्छी लगती है। क्यों रुद्रांस, बता दो अभी कैसी बनी है, बताओ। अच्छी बनी है बाबू। अब एक्सप्रेशन समझ लो, मतलब इसका मतलब ये है कि रुद्रांश खाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको बहुत पसंद आई। और ला के दे। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू बैगन की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि कल नहीं बनाई थी तो वो मैं आज बनाऊंगी। और आज हमने बनाई थी दिन में मेथी की खिचड़ी, मेरी थोड़ी ना ओवर ईटिंग हो गई थी, क्या कर सकती हूँ। आलू बैगन की खिचड़ी छोड़ी और चावल पकाए। ये देखिए ऐसा होता है एक हाथ से। तो यहाँ पर हमने सब्जी छोड़ दिया है एज यूजुअल, जैसे सबते हैं मेथी लहसुन मिर्ची हैं। और इसमें हमने जीरा नहीं डालते हैं क्योंकि बाद ही होता है, तो हम बस इतनी चीज़ें डालते हैं। डाल सकते हैं जीरा, ऑप्शनल है। तो कल तो मैंने जो 80 रुपये किलो के टमाटर थे वो तो हमने डाल दिया था बड़ी वाली सब्जी में, और आज तो ये बिना टमाटर के ही बनने वाला है। और इधर साइड में चावल हो रहा है। तो सब्जी हमारी बन करके रेडी हो गई। आज हमारा रात का डिनर यही होगा, आलू बैगन की सब्जी, चावल या पराठा या रोटी, कुछ भी हो सकता है। तो चलो फिर से मिलते हैं।